लेके जुनेद है, अदनान और नासिम मीनिंग का आगाज करने के लिए स्ट्राइक पे नासिम, नॉन स्ट्राइक पे अदनान। राइट टर्म राउंड के तो पहली खेलने के जुनेद नासिम के लिए। इस टूर्नामेंट का आखिरी नाइट यहां पर, फाइनल का नाइट है, जो अब सेमी में प्रवेश करेगा यहां से डांडा पैकर के साथ सेमी खेलेगा। जो सेमी जीतेगा फाइनल में प्रवेश करेगा। एसजीसी से श्रीवर्धन जो कि फाइनल में प्रवेश कर चुकी है, एक बड़ा मुकाबला सभी दर्शकों को देखने मिलेगा यहां पर। जो पहली गेंद राइट राउंड विकेट मरतबा हल्के हाथों के साथ ढकेला था वहां पर, एक रन से अपना टीम का खाता खोला नासिम ने। पहली मरतबा स्ट्राइक पे अदनान, टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करते हुए कैची जुनेद, फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर राइट एम राउंड विकेट अदनान के लिए। पहली मरतबा अदनान, इस मरतबा अच्छा शॉट और चार रन मिलेंगे यहां पर, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। चार रन के साथ अपना खाता खोला अदनान ने, टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। अदनान फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार, इस मरतबा एक रन मिलेगा वहां पर, एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब एक रन के साथ स्कोर चाप पहुंचा है 6 रन। पहला ओवर प्रगति पथ पर, पावर प्ले का ओवर, एक बाउंड्री जरूर लगाई अदनान ने। अब नासिम खेलने के लिए तैयार, जुनेद राइट एम राउंड विकेट हल्के हाथों के साथ ढकेला है वहां पर, जब तक एक फील्डर फील्ड करते थ्रो आता, एक रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। आखिरी दो गेंदे आना शेष, 4 गेंदे हो चुके अभी तक, 7 रन खर्च कर चुके जुनेद। अदनान एक बाउंड्री लगाने के बाद अपने क्रीज पे मौजूद, इस मरतबा टैप किया वहां पर, जुनेद फेल करते थ्रो करते, 1 रन के साथ दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने क्रीज पे मौजूद है। अब 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 8 रन। आखिरी गेंद आना शेष, 1 to go, इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी। हेलो, आखिरी गेंद पे 1 रन, इस 1 रन के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है केलची का 9 रन बिना कोई विकेट को। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई केलची, अब जुनेद के बाद उमेर आए दूसरे ओवर लेकर, कोटी की तरफ से पहले टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेकर उमेर, राइट टर्म राउंड विकेट सामने अदनान, इस मरतबा फ्लिक किया वहां पर, 2 रन मिलेगी, डिक्लेयर जोन में गई है गेंद, 2 रन, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ केलची का। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 11 रन, जबकि दूसरा ओवर प्रगति पथ पर, उमेर राइट टर्म राउंड विकेट, पहली गेंद पे डबल है, अब देखना अगली गेंद किस तरह की। इस मरतबा जुनेद के हाथों में गई है गेंद, जब तक जुनेद फील्डिंग करते वहां पर थ्रो करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। अभी तक अच्छी बल्लेबाजी देखने मिली है, दूसरा ओवर चल रहा है अभी तक, 12 रन बना। इस मरतबा अच्छी गेंद उमेर की, डॉट बॉल, नो बॉल, अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल का, 1 रन, 3 गेंदे आना शेष है, 3 गेंदे हो चुकी है दूसरे ओवर की, 3 गेंदे आना शेष है। फिर से एक बार इस मरतबा आगे आकर खेला है शॉट को, जब तक वहां पर फील्डर फील करके थ्रो करते, 1 रन मुकम्मल। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन, आखिर 2 गेंदे आना शेष। अदनान एक बाउंड्री जरूर लगाए थे लेकिन इस ओवर में अभी तक, और जिसकी मैं बात कर रहा था कि इस ओवर में बाउंड्री नहीं है कि तब तक तो मेरी आवाज सुनने से पहले ही अदनान ने उस काम को अंजाम दिया। यहां पर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन, इस 4 रन के साथ स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचे 18 रन अभी तक बिना कोई विकेट खोए केलची। आखिरी गेंद आना शेष, 1 to go,
दूसरी ओवर के आखिरी गेंद के हमें राइट टर्म राउंड विकेट बनाने के लिए। आयुष मर्दाबा अच्छा शॉट होते नहीं, अच्छी फील्डिंग है, डॉट बॉल। दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर है 18 रन बिना कोई विकेट खोए केलसी। हेलो 18 रन हो चुका है। और या आउट, पहला झटका लगता हुआ यहां पर केलसी को, नाजिम आउट होकर पवेलियन में वापस। 18 रन के स्कोर पर पहला झटका, पहले वहां पर ब्रेक थ्रू अपने टीम को दिलाया है अली ने। मासूम आए वन डाउन के रूप में, मासूम नाजिम के आउट होने के बाद मासूम क्रीज के ऊपर, अली राइट राउंड विकेट मासूम के लिए। और मर्दाबा अच्छी गेंद, कुछ अता पता नहीं था मासूम को इस गेंद का, फिर से एक बार डॉट बॉल। दो गेंदे हो चुकी है, पहली गेंद में विकेट, दूसरी गेंद डॉट बॉल, अगली गेंद तीसरे ओवर की तीसरी गेंद लेके अली राइट राउंड विकेट। फुल टॉस गेंद और कोई मौका नहीं रहेगा फील्डर के लिए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन मिलेगा यहां पर मासूम को। 4 रन के साथ में अपना खाता खोलते हुए टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 22 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट केलसी। अंबर 2 रन ना, 2 रन मिलेगा यहां पर डिक्लेयर जोन में, 2-2 गो। और इस मर्तबा अच्छा शॉट, गेंद फिर से एक बार बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए, कोई मौका नहीं वहां पर फील्डर के लिए। अच्छा शॉट, बिल्कुल गैप में खेला हुआ शॉट था, कारपेट के सारे 4 रन। आखिरी गेंद फिर से एक बार उस दिशा में शॉट को खेला, फिर से एक बार 4 रन मिलेगा। अच्छी बल्लेबाजी अभी तक मासूम द्वारा, 3 चौके लगाए इस ओवर में मासूम ने। मासूम का अपना साथी स्कोर बताते चलो, 14 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी करे मासूम, 5 गेंदों का सामना किया है। बिल्कुल फीट से खिलवाड़ किया इस ओवर में, बिल्कुल गैप में शॉट खेले थे, तीनों भी चौके जो लगाए बिल्कुल गैप में, अच्छी बल्लेबाजी। 4 रन के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 32 रन, आखिरी ओवर आना बाकी। और एक कड़ा शॉट, गेंद वहां पर मस्तक पे दस्तक देते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए, कोई चांस नहीं वहां पर फील्डर के लिए इस गेंद को रोकने का, बिल्कुल कड़क शॉट। इस मर्तबा फिर से एक बार 4 रन मिलेंगे, उमदा बल्लेबाजी अभी तक अदनान और मासूम की। स्कोर है 40 रन, 2 गेंदे हो चुकी है, 4th और आखिरी ओवर आसिफ लेके आए हैं लेफ्ट एम राउंड विकेट। और इस मर्तबा फिर से एक बार अच्छा शॉट जरूर था, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड के चलते यहां पर 2 रन मिलेंगे। 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, आखिरी 3 गेंदे आना शेष। और इस मर्तबा खराब शॉट के साथ अपनी पारी का अंत करते हुए यहां पर अदनान बैक टू द पवेलियन। दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर 42 रन के स्कोर पर केलसी को, आखिरी 2 गेंदे आना बाकी। फुल टॉस रन की गेंद जरूर थी, लेकिन आखिरी क्षण में अपना विकेट गंवाते हुए अदनान। और इस मर्तबा अच्छा शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर उमेर की, 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1-2 गो, आखिरी गेंद आना शेष इनिंग का, इस ओवर का आखिरी गेंद लेके आसिफ राइट लेफ्ट एम राउंड विकेट मासूम के लिए। मासूम आखिरी गेंद का सामना करेंगे, आगे आकर खेला वहां पर शारिक, जब तक फील्ड करते थ्रो करते और इसी के साथ में रन आउट। आखिरी गेंद पे तीसरा विकेट खो दिया अपना केलसी ने। स्कोर है इस 1 रन के साथ 44 रन, अब जीतना है इस मैच को यहां से अचानक 11 को, तो 45 रन बनाने होंगे, 24 गेंदे 45 रन।
अदनान ने अपने टीम के लिए 23 रन बनाए यहाँ पर, काफी अच्छे बल्लेबाजी अदनान द्वारा, और नाजिम ने 15 रन बनाए यहाँ पर, जिसके बदौलत मासूम ने 15 रन बनाए, जिसके चलते 44 रन बना पाई है केलशी। अब जीत के लिए 45 रनों का लक्ष्य, उसी को यहाँ पर जुनैद अर्शोब इनिंग का आगाज करने के लिए 45 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पहली ओवर, लेकिन नाजिम जुनैद के लिए पहली गेंद पावर प्ले का ओवर, और पहली गेंद कड़वा शॉट लगाया था, लेकिन इतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, रिजवान थे वहां पर फील्डर, जरूर एकदम कड़क शॉट लगाया था जुनैद, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, बिल्कुल 3 रन बचा थे अपनी टीम के लिए रिजवान। इस एक रन के साथ में अपना टीम का खाता खोला है जुनैद ने राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी नाजिम अब पहली मर्तबा शोएब के लिए। इस मर्तबा अच्छी गेंद, कुछ अता पता नहीं, डॉट बॉल, और इस मर्तबा अच्छा शॉट, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं मिलेगा डायरेक्ट फील्डर के हाथ में, जब तक ये फील्डर फील्ड करते वहां पर रन लेने का चांस ही नहीं दिया। इस मतलब आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश नाकाम वहां पर शुएब, 4 गेंदे हो चुकी है, 1 रन अभी तक हो चुका है, आखिरी 2 गेंदे आना शेष। इस मतलब थोड़ी सी खराब गेंद, रूल नंबर 22, इट्स अ वाइड बॉल, और फिर से एक बार वाइड, 2 वाइड के चलते स्कोर पहुंचा है 3 रन, आखिरी 2 गेंद आना शेष। एक रन, 1-2, हेलो 1-2 गो, आखिरी गेंद आना शेष, राइट आर्म ओवर द विकेट से आखिरी गेंद, पहली ओवर के पावर प्ले की आखिरी गेंद, लेकिन नाजिम है जुनैद के लिए, जुनैद खेलने के लिए तैयार, एक बाउंड्री की तलाश जरूर करेंगे, डॉट बॉल, अंपायर से वाइड की तार जरूर मांगी थी जुनैद ने, लेकिन अंपायर ने उसे ना करा। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 4 रन, एक बड़ा लक्ष्य रखा यहां पर अचानक 11 के सामने, 45 रनों का एक बड़ा लक्ष्य, अदनान दूसरी ओवर लेके अत्र के साथ में अपनी ओवर की शुरुआत करते हुए, लेग स्टंप से बाहर के अंपायर ने उसे वाइड करा दिया, और इस मर्तबा खराब शॉट, और शुएब बैक टू द पवेलियन, पहला झटका लगता हुआ यहां पर अचानक 11 को शुएब के रूप में, शुएब 4 रन के स्कोर पर, 5 रन हो चुके हैं, 5 के स्कोर पर पहला झटका, तब अच्छा शॉट था वहां पर, लेकिन इतनी अच्छी फील्ड, हेलो हेलो जुनैद अब सामना करेगा अदनान का, अदनान राइट आर्म राउंड विकेट जुनैद के लिए, इस मतलब अच्छा शॉट वहां पर, जब तक मासूम वहां पर फील्डिंग करते रन आउट की अपील, और इसी के साथ में रन आउट, जुनैद रन आउट होकर पवेलियन में वापस, दूसरा झटका यहां पर जुनैद के रूप में, अचानक 11 को जुनैद बैक टू द पवेलियन, आखिरी गेंद वाइड बॉल, लेग स्टंप से बाहर थी गेंद,
वन टू गो। वन टू गो, पहली गेंद वाइड, फिर एक रन, फिर विकेट, फिर विकेट जीरो, फिर विकेट, स्कोर है 8 रन। चार बॉल, चार बॉल, चार गेंद हो चुके, टू टू गो। इस मरतबा खराब गेंद, थोड़ी सी लाइन और लेन से भटकते यहां पर अदनान, लेग स्टंप से बाहर गेंद कर रही है थोड़ी सी और आउट। इस मरतबा मौका नहीं यहां पर बल्लेबाज के लिए, क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन में वापस। वन टू गो, आखिरी गेंद आना शेष। अच्छी गेंद इस मरतबा, रुकी समाप्ति के बाद स्कोर है अब 8 रन। बॉलर नेम, बॉलर नेम, राहिल, तीसरी ओवर लेके राहिल, और व्हाट अ कैच, फॉलो थ्रो में कैच लिया यहां पर और बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए, पहली गेंद पे पहला विकेट राहिल के लिए। अब अली आए बल्लेबाजी के लिए राइट ऑफ राउंड विकेट से। अब पहली मरतबा फुल टॉस लाइन की गेंद थी और अच्छा शॉट भी जरूर लगा था वहां पर, लेकिन रिजवान है वहां पर फील्डर है कि इससे पहले भी एक अच्छा चौका रुकाया था। इस मरतबा भी एक अच्छे फील्डिंग का मुजहरा यहां पर दिखाते हुए रिजवान, इस मरतबा कट कर दिया है हल्के हाथों के साथ में। डी जोन में एक ही रन मिलेगा, एक रन के साथ धीमी गति के साथ में बढ़ते हुए पारी, स्कोर है 10 रन। इस बार अच्छा शॉट जरूर खेला था लेग साइड में, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा क्योंकि वहां पर मासूम ने जब तक फील्ड करके थ्रो करते एक ही रन पूरा किया था। इस मरतबा फिर से एक बार डॉट बॉल, वन टू गो, आखिरी गेंद आना शेष और इस एक रन के साथ तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद अब स्कोर है 12 रन। अचानक 11 का अब आखिरी ओवर, वाइड बॉल, नो बॉल, हेलो सनाउल्ला है गेंदबाजी के लिए, पहली गेंद अतिरिक्त फेंकी थी उसके बाद में सिंगल। इस मरतबा अच्छा शॉट लेकिन इतने अच्छे फील्डिंग वहां पर रिजवान द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, प्लीज इस खिलाड़ी के लिए जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजहरा यहां पर रिजवान का, बिल्कुल अपने टीम के लिए 3 रन बचाते हुए रिजवान। अच्छी गेंद फिर से एक बार डॉट बॉल, 3 गेंदे हो चुकी, आखिरी 3 गेंदे आना शेष। इस मरतबा रूल नंबर 22, इट्स अ वाइड, इस मरतबा अच्छी अच्छा शॉट जरूर था और ये आउट, अली रन आउट होकर बैक टू द पवेलियन। वन टू गो, आखिरी गेंद, नो बॉल, और इसी के साथ है मैच केलची ने जीत लिया, कांग्रेचुलेशन केलची। अभी होने वाला मुकाबला केलची और बरुट कोल, दोनों कप्तान यहां पर आ जाए टॉस के लिए,
केलशी और बरोटकोल दोनों कप्तान टॉस के लिए आ जाए यहां पर।